नमस्ते बालाजी हिंदू प्यारों में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कैंसेरियन हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखे और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। जनरल रीडिंग इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। कैंसर यानी कर्क राशि, हम देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन आप लोगों का चल रहा है। उस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस एंड फोर ऑफ कप्स के कार्ड। आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी है, लेकिन फिर भी ये अपने लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा सेल्फ लव, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट के तहत ये खुद को रोक के रखा है। बुरी चीजें, बुरी लोग, बुरी बातें, इन चीजों से खुद को दूर रख रहा है। अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, लाइफ को बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है। हो सकता है इनको जो चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा डिससैटिस्फाइड भी है, लेकिन फिर भी पेशेंस रखने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है इनमें पेशेंस कम था या कम है, लेकिन फिर भी ये खुद को रोक के रखा है, पेशेंस रख रहे हैं। जितना भी परेशानी इनके दिल में दिमाग में चल रहा है ये किसी से बयां नहीं कर रहा। कुछ क्लैरिटी की जरूरत इनको है, दिमाग में कुछ चल रहा है उस बात को क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। बहुत ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल भी कर रहा है, इसकी वजह से ये शांत है, क्योंकि मुंह पर हर चीज बोल देना या फिर अचानक से एक्शन ले लेना, इन चीजों के लिए इनको वक्त लगेगा, जिसकी वजह से ये खुद को रोक के रखा है और धीरे धीरे चीजों को सही करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं जानते हैं, इनके दिमाग में सब कुछ है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा या बंदी है, लेकिन फिर भी अपनी गुस्से पर काम कर रहा है, काबू कर रहा है और पेशेंस के साथ ये इंतजार कर रहा है कि सब कुछ बैलेंस हो जाए और सही हो जाए। साथ ही साथ किसी चीज के मतलब रिश्ते के बारे में क्लैरिटी भी उनको चाहिए। हो सकता है ये बहुत दिनों से क्लैरिटी के इंतजार कर रहा है, तभी ये खुद को रोक के रखा है, पेशेंस रख रहा है। जो भी है बंदा या बंदी बहुत ज्यादा दिमाग से सोचने वाला पर्सन है और अपने आप को पेशेंस के साथ रोक के रखा है, ये क्लैरिटी की इंतजार कर रहा है। अभी हम देखेंगे ये चाहते क्या है आपके पर्सन जिनके साथ आप रिश्ते में हो। कैंसर, ये बंदा या बंदी चाहते क्या है, हालांकि आप लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन के सिचुएशन में हो, लेकिन देखेंगे कि ये पर्सन चाहते क्या है। पेशेंसली वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है क्लैरिटी का
हो सकता है ये कोई स्टेबल डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं ये बंदा या बंदी चाहते क्या है। Eight of Pentacles, the Hierophant, Queen of Cups. Knight of Pentacles, the Hierophant and Queen of Cups के कार्ड आए हैं। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है जिनके साथ आपका रिश्ता है, ये बंदा या बंदी जो भी है अपने इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करना चाहते हैं। ये बहुत पेशेंस के साथ बैलेंस रख के चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। ज़रूरत के बगैर ये किसी से बात करना भी पसंद नहीं कर रहा है इन दिनों। ये अपनी तरीके से अपने लाइफ को स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहा है। अपनी इमोशन को भी ये कंट्रोल कर रहा है। धीरे धीरे ये अपने लाइफ को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के बारे में सोच रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शादी के बारे में सोच रहा है, शादी स्टेबिलिटी, लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी। कुछ लोग भगवान के भरोसे रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, दोबारा से रिश्ता शुरू करना चाहते हैं। ऐसे लोग जो लोग शादीशुदा नहीं है वो शादी के बारे में सोच रहा है, शादी करना चाहते हैं, भगवान के भरोसे रिश्ते को मौका दे के आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है वो शादी को स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहा है। लेकिन ये बंदा या बंदी जो भी हैं ये पेशेंस रखना चाहते हैं, अपनी इमोशन को कंट्रोल करना चाहते हैं और इमोशन को कंट्रोल करते हुए चीज़ों को बैलेंस करके फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। अपनी इनर स्ट्रेंथ को इन्हेंस कर रहा है। इनको लग रहा है कि पहले जो चीज़ सही तरीके से नहीं हो रहा था रिश्ते में, उन चीज़ों को पहले सही करना पड़ेगा और फिर एक स्टेबल ऑफर के साथ रिश्ते में आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जल्दबाजी से कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो जल्दबाजी से होता है, ये जल्दबाजी से कोई भी काम नहीं करेंगे। जितना हो सके पूरी तरीके से स्टेबल हो जाने के बाद ही ये कोई डिसीजन लेंगे, ऐसा ये चाहते हैं। आपको एक स्टेबल ऑफर भी ये दे सकता है या दे सकती है, लेकिन अभी नहीं। जब इनको पूरी तरीके से इस बात का पता चल जाएगा कि ये खुद स्टेबल है, तभी ये आपको स्टेबल ऑफर देंगे। और जो लोग शादीशुदा है तो शादी को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के बारे में सोचेंगे, जो नहीं है वो शादी करने के बारे में सोचेंगे। जो भी होगा, लेकिन ये खुद को जब तक पूरी तरीके से ये खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे कि ये स्टेबल है, तब तक ये कोई कदम नहीं उठाएंगे। अभी हम देखेंगे इनका एक्शन क्या रहेगा, ऐसा ये चाहते हैं। देख लेते हैं अगर ये एक्शन लेता है, जब भी लेगा एक्शन तो ये क्या एक्शन लेंगे। जो लोग शादीशुदा वाले रिश्ते में हैं, एट ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ सोर्स के कार्ड। देखो, जो लोग शादी वाले रिश्ते में हैं, जो लोग पहले से ही शादीशुदा रिश्ते में हैं, उन लोगों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। वो लोग स्टेबल ऑफर को पाएंगे, वो रिश्ते में स्टेबिलिटी मिलेगी उनको। लेकिन जो लोग शादीशुदा नहीं है, जैसा कि मैंने कहा, पहले भी कहा कि जो लोग अभी तक स्टेबल नहीं है, पहले वो स्टेबिलिटी को इन्हेंस करेंगे। स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी, खास करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी, तब तक वो कोई एक्शन रिश्ते में नहीं लेंगे। उनको ये लगेगा कि बिना स्टेबिलिटी के रिश्ते में दोबारा से आना, मतलब फिर से परेशानी आ जाना रिश्ते में। इसकी वजह से ये लोग कुछ दिनों के लिए रिश्तों से मूव ऑन कर सकते हैं। मूव ऑन मतलब पूरी तरीके से नहीं, जब तक सब कुछ सही ना हो जाए, स्टेबिलिटी ना मिल जाए, तब तक के लिए ये रिश्ते से मूव ऑन कर सकता है। लेकिन जो लोग शादीशुदा हैं, उन लोगों में अलग तरीके की सोच आएगी कि शादी वाले रिश्ते को स्टेबिलिटी दिया जाए, परिवार के बारे में सोचा जाए,
प्रॉपर्टी खरीदे, ये वो, इन सारी स्टेबिलिटी के बारे में ये सोचेंगे। लेकिन जिनके शादी नहीं है, सिर्फ प्यार वाला रिश्ता है और नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, ये बंदा या बंदी तब तक खुद को रोक के रखेंगे जब तक उनको नहीं लगेगा कि ये पूरी तरीके से स्टेबल है, ये रिश्ते के लिए कोई डिसीजन ले सकता है, रिश्ते में आपको एक स्टेबल ऑफर दे सकता है, तब तक ये एक्शन नहीं लेगा। ये बहुत दिन नहीं, ये मन की बातें हैं, हो सकता है हफ्तों में, किसी के लिए महीनों में ये सोच बदल जाएगी, ये कुछ अपने लिए स्टेबिलिटी को ढूंढ पाएंगे, फिर जाके ये एक्शन लेंगे। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं कैंसर। इट्स अप टू यू पीसफुल रेजुलेशन। जैसा कि मैंने कहा कि आपके पर्सन ऐसा सोच रहा है, अगर आप चाहते हो कि आप खुद एक्शन लेके उनको समझा सको तो आप समझा सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या करना चाहते हो, आप इस चीज को किस तरीके से देखोगे। लेकिन आपके लाइफ में एक पीसफुल रेजुलेशन बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि जब इन बंदा या बंदी जो भी है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, उन पर्सन को जब ये लगेगा कि मैं पूरी तरीके से स्टेबल हूँ, किसी रिश्ते को चलाने के लिए फर्स्ट जो चाहिए वो फिनेंशियल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, तो मेंटल स्टेबिलिटी इनमें पूरी तरीके से है। जब इनको फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाएगी, ये रिश्ते में एक्शन ले लेगा। और जो शादीशुदा लोग हैं वो तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी के लिए आएंगे, रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जा रहा है कि आपको एंजल क्या गाइड कर रहा है, आपके रिश्ते में एक पीसफुल रेजुलेशन आ रहा है, जो लोग शादीशुदा है डेफिनेटली उनके लिए आ रहा है, जो नहीं है जैसे कि मैंने कहा फिनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी तब आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस रिश्ते की स्थिति को लेते हो, क्योंकि एंजल की गाइडेंस हमेशा आपके साथ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।